इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानु राज कुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने पंचायत समिति मीटिंग हॉल में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और पटवारियों की एक बैठक ली। उन्होंने पटवारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी सही रिपोर्ट के वजह से पहली बार किसानों को बड़ी संख्या में मुआवजा मिल रहा है। वहीं विधायक ने किसानों से अपील की कि वो अपने बैंक खातों का विवरण पटवारियों को समय रहते दे दें, क्योंकि मुआवजा सीधे लोगों के खातों में आएगा। देखिए, आज की मीटिंग हमने जो फसल खराबा हुआ था पिछले दिनों, उसके लिए मैंने पटवारी सभी की गिरदावर की मीटिंग ली थी। सभी को कहा था कि हमारे बहरोड के अंदर, चाहे पिछली दफ़ा वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ कि 95% यानी 95% तक फसल नष्ट होगी ओलावृष्टि से, लेकिन परंपरा ये रही है कि कभी 2 रुपये भी किसान को मिले ही नहीं। पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी किसान का नुकसान हुआ था। कुछ कुछ गाँवों के अंदर ओलावृष्टि हुई थी, मांडन बेल्ट में हुई थी, कुछ बहरोड के गाँव में हुई थी। तो मैंने ये कहा था कि इस बार किसान को मुआवजा किसी भी हाल में मिलना चाहिए जिसकी फसल में खराबा हुआ है। और बहरोड के अंदर लगभग 19 गांव चिन्हित करे गए थे, बाकी गांव मांडन बेल्ट में, नीमराणा में चिन्हित करे गए थे। सभी पटवारी गिरदावर ने सरकार को, मैंने कहा था रिपोर्ट भिजवाओ आप कि नुकसान हुआ मुआवजा दें। यहाँ से गई हमारे 6,60,31,335 रुपये मुआवजे की डिमांड हमने भेजी। 19 गांव में ये फसल खराब हुआ है, इसके लिए मैंने सभी हमारे पटवारी गिरदावर सभी को थैंक्स बोला कि मैंने आपसे कहा था कि रिपोर्ट पॉजिटिव भेजें। इस परंपरा को, गलत परंपरा को हम तोड़ेंगे कि किसान को मुआवजा मिलता ही नहीं है फसल खराब है। इस बार मिलना चाहिए। और आप देखिए, जैसे गंडाड़ा है, हमारे गंडाड़ा के अंदर ही 88,50,300 मुआवजा केवल एक गांव में हुआ है। ऐसे बसी गांव है, इसमें 79,80,00,000 के लगभग ही मुआवजा बसी गांव को, एक गांव को मिला है। तो एक गांव में जब 88,00,80,00,000, 25,00,000, 30,00,000, 35,00,000 इस तरह का मुआवजा आया है जो पहले 1 रुपया ही नहीं आता, तो ये अच्छी बात है। रिपोर्ट गई, मुख्यमंत्री जी से मैंने बात कर ली थी कि रिपोर्ट आएगी, उन सबको मंजूर करके मुआवजा देंगे। सभी किसानों को बधाई देता हूँ कि आप सबको मुआवजा मिलेगा, बहरोड तहसील के किसानों को भी और नीमराणा तहसील के किसानों को भी। स्वर्गीय राजेश पायलट की 20वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यालय बहरोड में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना योद्धाओं को साड़ी, गमछा और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इन योद्धाओं में नर्सिंग स्टाफ भी शामिल था। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य बस्तीराम यादव द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर आरसी यादव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व उप जिला प्रमुख सरोज यादव ने की। श्रद्धांजलि सभा में अनेक क्षेत्रीय कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। बहरोड में स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि स्वर्गीय राजेश पायलट साहब के ईमानदारी के बताए हुए पाठ को जहन में उतारें, संकल्प लें और उसका अनुसरण करें। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया कि किसान और मजदूर की लड़ाई को और कैसे मजबूती से लड़ा जा सके, इस बात पर चर्चा की। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राज कुमार यादव।